ये इधर चेकिंग हो रहा है पंखे का, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर टेस्टिंग है पंखा। देखिए मोटा मोटी हम लोग, देखिए ये जो वाटेज ले रहा है बोर्ड में, देखिए 216 है ना, 220 पे इसको ले जाते हैं, तो ये 46.9-47 वाट ले रहा है ये मोटर, है ना। और इसका लॉकिंग देखिए 47 और 89, मतलब 42 का लॉकिंग है। लॉकिंग भी ज़बरदस्त है ना, पंखे का ताकत अच्छा खासा है। देखिए दूसरा, देखिए ये है, ये भी उसी आसपास का है, इसका भी लॉकिंग लगभग वही उसी टाइप का लॉकिंग है। मतलब 50 वाट जो हम लोग लिखते हैं ना सब, ये 45 वाट, इसका भी लॉकिंग 42 है। मतलब हम लोग लिखते जो है 42 वाट, वो गलत नहीं लिखते, 50 वाट उसके अंदर का ही मोटा मोटी। ये 45 वाट है, इसका भी लॉकिंग, ये भी 42 का लॉकिंग आ रहा है इसमें भी, है ना, 220 वोल्ट पे। ये भी 45 और 86, ये 41 का लॉकिंग है मोटा मोटी। अब ये देखिए, ये भी 48 वाट का फैन है, मतलब लॉकिंग यही 40 का लॉकिंग पकड़ के चलिए। इस तरह से ये फैन सब जो होता है, लिखते तो हैं 50 वाट मोटर, लेकिन उसके नीचे ही का मोटा मोटी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब हम लोग नेशनल लेवल पे फ़ैन को दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब GST से सबसे बड़ा सी फार्म का लफड़ा ख़त्म हो गया। तो इससे एक बेनिफिट हुआ कि हम लोग नेशनल लेवल पे फ़ैन को दे पा रहे हैं। ये टेस्टिंग का नज़ारा है, ये देखिए। तो बिहार में तो पंखा बनता नहीं था, लेकिन जितने बिहारी थे, वो जितनी भी फ़ैन इंडस्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट बिहारी वर्कर थे, तो बिहारी पंखा बनाते थे, लेकिन बिहार में पंखा कल तक बनता नहीं था। अब बिहार में भी पंखा बन रहा है, और पूरे भारत में आज के डेट में बिहार का पंखा जा रहा है, और अपने आप में बिल्कुल अलग है, पैकेजिंग अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखिए, एक 24 का लॉट मंगा के देखिए, फिर आप बाकी पंखा को बिल्कुल भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी ब्रांड चल रही है। ओके।